भैया कितने साल से रन कर रहे हो? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया इस गुपचुप सेंटर को, और आप देख रहा हूँ कि मैं पूरे रायपुर में इस टाइप का गुपचुप कोई नहीं देता जो आप दे रहे हो। रगड़ा गुपचुप सेल कर रहे हो ना चार, और ये ऐसा क्यों फेमस रहता है रगड़ा गुपचुप? अब वो तो आदमी के स्वाद के ऊपर है। कैसे इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है अपने पास में? चाट है, खस्ता चाट है, समोसा चाट है, टिकिया चाट है, दही गुपचुप है, पानी गुपचुप है, सूखा गुपचुप है। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, और 30 साल से रन कर रहे तो सोच सकते हो कि इनके गुपचुप का खासियत क्या होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ एमपी स्वादिष्ट चाट सेंटर, और गुपचुप तो आपने बहुत खाया होगा। ये जो गुपचुप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे ना रगड़ा गुपचुप मिलता है आप लोगों को जो और कहीं भी नहीं मिलता, और प्लस इनके पास में खस्ता चाट और बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ का गुपचुप बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। एड्रेस की बात करूँ तो टाटीबंद भारत माता चौक बोलते हैं इसको, वहीं पर पड़ता है आप लोगों को एमपी स्वादिष्ट चाट सेंटर। और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है खास। मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ यहाँ का गुपचुप, तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि इनके जैसा गुपचुप ना कोई नहीं बेचता। चलिए दिखाता हूँ और यहाँ के ओनर से बात करते हैं कितने साल से रन कर रहे हैं ये। तो ये है एमपी स्वादिष्ट चाट सेंटर के ओनर। भैया कितने साल से रन कर रहे हो? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया इस गुपचुप सेंटर को, और आप देख रहा हूँ कि मैं पूरे रायपुर में इस टाइप का गुपचुप कोई नहीं देता जो आप दे रहे हो, रगड़ा गुपचुप सेल कर रहे हो ना। क्या है इसकी प्राइस की बात करें तो कितने रुपए देते हैं गुपचुप? 10 का 4। 10 का 4। और ये ऐसा क्यों फेमस रहता है रगड़ा गुपचुप? अब वो तो आदमी के स्वाद के ऊपर है। मैं जितना देख रहा हूँ ना, तो गरम गरम आप जो रगड़ा देते हो ना गुपचुप में डाल के, और प्लस आपका पानी, पानी दिखाएंगे यहाँ पे देख सकते हो पानी कौन सा है ये? इमली का गुपचुप पानी है। इमली का गुपचुप पानी है, हरा हरा दिख रहा है, तो मतलब इसमें पुदीना इमली, पुदीना का मात्रा ज़्यादा है लग रहा है मेरे को। बराबर मात्रा था, धनिया पत्ती, पुदीना, इमली, अदरक, हरी मिर्च, और इसके साथ में मीठी चटनी। चटनी दो टाइप की दिख रही है, एक खट्टा है। अच्छा, खट्टा में मीठा, मतलब इमली। हाँ इमली, ये गुड़ डालते हैं इसमें, इसमें गुड़ डालते हैं, मतलब चटनी में भी वैरायटी है इनके पास में। और स्पेशल तो इनका रगड़ा गुपचुप है जो कि मैं बता रहा हूँ, टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है अपने पास में? चाट है, खस्ता चाट है, समोसा चाट है, टिकिया चाट है, दही गुपचुप है, पानी गुपचुप है, सूखा गुपचुप है। मतलब एक चाट सेंटर में आप चाट के साथ साथ गुपचुप भी अवेलेबल करा रहे हो, प्लस समोसा गुपचुप भी। बहुत ही बढ़िया सेंटर है भाई, और इस टाइप का अगर आप लोगों को गुपचुप ट्राई करना है ना, तो आप लोगों का भी आना बनता है एमपी स्वादिष्ट चाट सेंटर, और ये आप लोगों को पड़ता है टाटीबंद भारत माता चौक। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, और 30 साल से रन कर रहे तो सोच सकते हो कि इनका गुपचुप का खासियत क्या होगा। गुपचुप जो इस्तेमाल कर रहे हो पैकेट वाला है? पैकेट वाला है। ये आप लोग खुद बनाते हो कि लाते हैं? लाते, खरीद के लाते। बाकी टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है। और रगड़ा तो बहुत मजेदार लग रहा है भैया, थोड़ा सा चम्मच ही ला के दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हो ये गर्मा गर्म ही दिया जाता है आप लोगों को, तभी यहाँ के गुपचुप का खासियत है। और इसी वजह से मैं आया हूँ, क्योंकि इनके यहाँ का जो फेमस रगड़ा गुपचुप है ना, ये ट्राई करने का मजा ही कुछ और रहेगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है। तो चलिए भाई एमपी स्वादिष्ट चाट सेंटर का गुपचुप ट्राई करके देखते हैं। पहले भी मैं ट्राई कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, एक बार फिर से ट्राई करके बता देता हूँ। और गर्मा गर्म यहाँ पे दिया जाता है ना, वो सबसे खास बात लगी मेरे को। ये रहा है इनका गुपचुप, जो कि गर्मा गर्म यहाँ पे रगड़ा डाला गया है। रगड़ा का जो टेस्ट है ना, अलग लेवल का है, प्लस साथ में इनका गुपचुप भी क्रिस्पी है ना। ऐसा ऐसा गुपचुप इस्तेमाल नहीं कर रही है, प्लस पानी पुदीना का मात्रा ज़्यादा लग रहा है, और मीठा पाना के साथ खाओगे ना तो मज़ा ही कुछ और रहेगा। 10 का 4 है, 20 का 8 है। प्राइस भी बहुत बढ़िया है, रगड़ा चाट कहीं और नहीं मिलता, यहीं पर मिलता है। और आप लोग भी आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके बताओ कि नॉर्मल आलू वाला पसंद है आप लोगों को गुपचुप, कि ऐसा रगड़ा चाट वाला पसंद है, क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर इसी को खाया जाता है, क्यों है ना भैया। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना कि आप लोग में से अगर कोई आया है यहाँ पे खाने के लिए कि नहीं। अगर नहीं आए हो तो आओ, खाओ, फिर कमेंट करके बताओ।
चलिए आज का वीडियो बंद करते हैं।